आज MGR एसोसिएशन का अफ्तारी पार्टी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि जैसे सबको हमने इनवाइट किया, सभी लोग समय पर आए। जैसा कि सबको पता है ये जो रमज़ान का महीना होता है इबादत का होता है और उसमें दुआएं जो मांगी जाती हैं वो ज़्यादातर दुआएं कबूल होती हैं और सभी ने यहाँ कौम एकता के लिए भी दुआएं की हैं। हिंदुस्तान में सब एक से रहें, भाईचारा बना के रहें और सब ने दुआएं की हैं। और मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा, जैसा प्यार आज हमारे टीम ने MGR WN ने दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। क्या संदेश देंगे जनता को आने वाले समय में? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं वो होते रहने चाहिए, जिससे आपस में भाईचारा बना रहे और भाईचारा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नितिन गोयल जी हैं जिन्होंने आज प्रवक्ता भी हैं हमारे और सचिव साहब भी हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे, ये जो इन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है, इन्होंने ही कहा था कि ये हमें रोज़ा इफ्तार पार्टी करनी है और रोज़ा इफ्तार पार्टी के लिए इन्होंने अब से कम 20-25 दिन पहले से तैयारी कर ली थी और जब से ही ये समय दे रहे हैं। और इनके साथ में जो टीम जुड़ी हुई थी हमारी, हमारे धीरज जी, सुदीप चौधरी जी, कपिल गर्ग जी और हमारे दीपक शर्मा तो अगर रहते ही हैं, गुड्डू भाई, मोहित सिंह, इन्होंने घनश्याम अग्रवाल, एके गुप्ता जी, हमारे संस्थापक जी और बहुत से ऐसे नाम हैं जो अभी याद नहीं आ रहे हैं। पूरी टीम ने जो मेहनत की है, उनकी अगुवाई की थी हमारे नितिन गोयल जी ने जो हमारे प्रवक्ता हैं। मैं चाहूँगा वो भी दो शब्द आपके सामने कहें। उनकी तरफ से इफ्तार पार्टी क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी ज़रा नवाजी के लिए मौका दिया। उनकी बहुत बहुत इनायत है कि जो ये गरीब खाने पे आए और मेरी शिरकत करी और मेरा मान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।